चलिए अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है, थोड़ा सा स्लाइटली रिपीटेशन है, प्लस जो चीजें हमने पढ़ी है ना, जो मैं आपको कह रहा था टेक्निकल टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उन टेक्निकल टर्म्स को ना थोड़ा लीगल लैंग्वेज में देखते हैं कि वहां पे एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। सो पहले बात मैं करता हूँ कि वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो मेरे सब्स्यूम्ड हो गए, मतलब अभी रिप्लेस हो गए किसके थ्रू, जीएसटी के थ्रू। हमने ये सारा देखा था, एक्साइज हमारा, सर्विस टैक्स, सीवीडी, एससीडी, सीएसटी, सेस एंड सरचार्ज, ये सारे कवर हो गए। ये जो इसमें मैंने जैसे सीवीडी एससीडी नहीं बताया, स्किप करना इनको, ये काफी पहले के होते थे। स्टेट लेवल पे कैसे होगी, वैट, इंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स हो गया हमारा, सेल्स और सरचार्ज, ये सब अभी हमारे खत्म हो गया। इन सब की जगह क्या आ गया, एक सिंगल टैक्स आ गया जिसको मैं क्या बोलता हूँ अभी, जीएसटी। जीएसटी में ना ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड है, मतलब ये नॉन जीएसटी आइटम्स हैं, इसके ऊपर जीएसटी कभी लगेगा ही नहीं। कौन कौन सी आइटम्स है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको कभी चेक करना, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं हुआ होता है। प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी जब आप ट्रांसफर करते हैं ना वहां पे जीएसटी नहीं लगते, वहां स्टैम्प ड्यूटी लगती है आज भी। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे जो होता है वो हमारे कौन सा टैक्स देते हैं हम, कस्टम ड्यूटी लगता है। सो ये भी हमने देखा था, वहां पे आईजीएसटी भी आता है हमारा, मतलब जीएसटी आता है, बट कस्टम ड्यूटी आज भी है, वो जीएसटी एडिशनल चीज हो जाती है हमारी। अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, कंज्यूमेबल वाली अल्कोहल होती है, उसके पास भी आज भी क्या है, उसमें जीएसटी नहीं चार्ज होता, उसमें पुराने टैक्स ही चार्ज होते हैं, वैट वगैरह चार्ज होते हैं। पेट्रोल पे भी अभी तक जीएसटी नहीं, आप ही न्यूज में देखते हैं ना कि पेट्रोल को जीएसटी मिल गया और रेट कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे, तो वो इसीलिए, क्योंकि आज भी वो जीएसटी में नहीं है। हाई स्पीड डीजल, डीजल जो आपके हो गए, मोटर स्पिरिट जिसको मैं नॉर्मली क्या पेट्रोल बोलता हूँ, पेट्रोलियम क्रूड, मतलब क्रूड ऑयल है पेट्रोल का, और ये वाला जो है ये पेट्रोल है प्रॉपर। नेचुरल गैस हो गया, टर्बाइन फ्यूल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सो ये ना मतलब जो पेट्रोलियम टाइप से चीजें हैं, तो इन पे भी क्या है, जीएसटी चार्ज नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए। ये वाला तो देखो आपका नोट करा हुआ है, लिखता है तो दोबारा कुछ लिख लो, ठीक है। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन जीएसटी, इस पे कोई जीएसटी चार्ज ही नहीं होना है। फिर अभी ये देखते हैं टैक्स हायरार्की। टैक्स हायरार्की में क्या है कि मतलब कोई भी इंडिया में कोई भी लॉ आना है, कुछ भी आना है, तो उसका कुछ सिस्टम इस तरह से रहता है। सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान, जो हमारा कब बना था, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के टाइम पे बन गया था। सो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे संविधान में सारी बातें लिखी हैं कि पूरा देश किस तरह से चलेगा, रूल्स रेगुलेशंस, आपको एक्ट वगैरह बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या बनाता हूँ, एक्ट बनाता हूँ, जैसे जीएसटी एक्ट हो गया मेरा। जीएसटी एक्ट वाइडर टर्म होती है, इसमें ना बहुत कुछ लिखा होता है। फिर उसके उसमें आता है रूल्स, एक्ट में ना ब्रॉडर टर्म बातें लिखी होती है कि कोई चीज कैसे होगी, मतलब उसने सिंपल सा कह दिया। फिर रूल्स, रूल्स में होता है कि आपका उस चीज को प्रॉपर, ये छोटी छोटी बातें उसमें लिखी होती है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ट्रैफिक एक्ट है तो उसमें लिख दिया कि ठीक है अभी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है वरना आपके फाइन लगेंगे, वो सब। रूल्स में डिटेल बताया कि भाई अभी रूल्स में कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको इतने 1000 का फाइन लगेगा, जितना भी है। सो ये कब कहाँ लिखा होता है, रूल्स वगैरह में लिखा होता है। फिर रेगुलेशंस होती है, इसी के रूल्स में थोड़ी सी और डीपली चले जाते हैं तो वहाँ पे और डिटेल में जो बात कही होती है वो कहाँ कही होती है, रेगुलेशंस में। नोटिफिकेशन होती है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ना कुछ अपडेट्स सेंड करती रहती है, मतलब कुछ चेंजेस लेके आती रहती है, कुछ नया लेके आती है, तो वो कहाँ किसके थ्रू लेके आती है, नोटिफिकेशंस के थ्रू। और लास्ट में सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशन एक वाइडर टर्म, बड़ी चीज हो जाती है, तो छोटे कोई क्लैरिफिकेशन लेकिन आने होते हैं ना, कुछ क्लैरिटी, मतलब लॉ में कुछ लिखा है पहले से बट अभी उसको कुछ क्लियर करना है, या फिर कोई ऑलरेडी नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी लानी है, सो वो सर्कुलर या फिर इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें मेरे लिए क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे वाइडर चीज हो गई, फिर उससे छोटा एक्ट, फिर रूल्स, फिर रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, इस तरह से मेरे हायरार्की फ्लो करती है। क्लियर है? जो ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस है, इसका मीनिंग अब समझना स्टार्ट करते हैं कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। नॉर्मल हमें पता है गुड्स मतलब सामान, सर्विस मतलब कुछ भी सर्विस है ना, जैसे टीचिंग सीए वगैरह, ओके। बट लीगल लैंग्वेज क्या कहती है वो भी तो हमें देखना है ना थोड़ा सा, तो उसको यहाँ पे कवर करते हैं। गुड मीन्स
एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट आपकी मूव कर सकती है उसको मैं क्या कहता हूँ, गुड्स कहता हूँ। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, क्लोथ्स, पैक्स हो गए, मोबाइल हो गया, आपके कोई भी चीज, आपके व्हीकल हो गए, सब चीजें कहाँ पे कवर हो गई, गुड्स के अंदर कवर हो गई। सर्विस के अंदर क्या आ जाता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो कुछ भी आपका गुड्स में कवर नहीं हुआ वो सर्विस में, मतलब सब कुछ तो कवर कर दिया भाई, जीएसटी सब चीज पे लगेगा, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा, तो वो गुड्स, जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस हो गई, तो 100% हो गया ना, अभी सब कुछ तो कवर हो गया यहाँ पे, तो सर्विस की डेफिनेशन ना बहुत वाइड हो गई, कुछ नहीं तो गुड्स के अलावा सब कुछ सर्विस है। बात क्लियर आई? इसमें ना मनी और सिक्योरिटीज, ये दोनों चीजें एक्सक्लूड करिए, मतलब ना तो मैं इनको गुड्स बोलूंगा ना मैं इनको सर्विस बोलूंगा। मनी मतलब जैसे पैसा, दिक्कत हो जाती है अगर पैसे को भी इन्होंने गुड्स या सर्विस में कह दिया होता, क्या हो जाता फिर, मैंने आपको 2000 रुपीज दिए फ्री में लिए, बदले में आपसे चेंज रुपीज ले लिए, ठीक है, मैंने 500 के फोन आपसे नोट ले लिए, ठीक है ना। सो अभी क्या हुआ, मैंने आपको कुछ दिया, अगर पैसा गुड होता मैंने आपको गुड्स दी और बदले में आपने भी गुड्स दी, सो इसके ऊपर क्या होता है, अभी मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ जाता, तो मैं जैसे 2000 रुपए दिए आपको, तो 2000 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज मैंने जीएसटी चार्ज कर दिया, फिर ये तो रिपीटेशन हो जाता, उधर से आप मुझे दे रहे हो तो आप भी तो गुड्स दे रहे हो, फिर इस पे जीएसटी चार्ज हो जाता, अब 200 रुपीज दिए उसके ऊपर जीएसटी, वो भी तो गुड्स गई, तो जीएसटी के ऊपर भी तो जीएसटी आ जाना चाहिए था फिर, तो ऐसे तो कभी एंड ही ना होता, और पैसे को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो डबल जीएसटी हो जाता, सो इनलॉजिकल टर्म हो जाती बिल्कुल ही। सो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पैसे को मैं क्या करूंगा, ना तो गुड्स है ना सर्विस है, जब गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है तो उस पर क्या टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर सेकेंड चीज आती है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब सिक्योरिटी नहीं है, एक तो सिक्योरिटी वैसा हो जाता है ना सेफ्टी, वो वाला सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजें, तो शेयर्स डिबेंचर्स अगर आपके हैं तो उनके ऊपर भी क्या जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो ना गुड्स है ना सर्विस है, जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स या सर्विसेज पे, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, पहले ग्रोइंग क्रॉप्स की बात करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स कैसी, जो फसल वगैरह हो गई, सो अभी इन्होंने ना यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि फसल होती है कुछ भी हमारी क्रॉप होती है, सो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये तो जमीन से जुड़ी हुई है तो इसको मूवेबल तो नहीं है, बट देखा जाए तो मैं उसको कट करके मूवेबल करके तो बेचता हूँ, सो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कह दिया कि भाई मूवेबल आइटम है, नॉर्मल मूवेबल आइटम है, इसको गुड्स के अंदर हम कवर करके चलेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स कौन कौन से होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं मेरे ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर डेट्स, अगर मेरे पास कोई अनसिक्योर डेट्स है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा, उधार है कोई अनसिक्योर्ड है जिस पर सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस का कोई डेट है, उधार है, राइट टू अरेयर ऑफ रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह की बात है, तो वो सो ये प्रैक्टिकली इतना ज्यादा यूज नहीं होता है हमारे। और सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी, पैसा अपने आप में गुड्स नहीं है या सर्विस नहीं है, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट पैसा कन्वर्ट करने के लिए या फिर आपने क्या करा उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरीके से उसमें कुछ चार्ज कर लिया। जैसे अभी क्या हुआ, आप मेरे पास आया, आपने कहा कि मुझे ना अपने, अभी तो नहीं चलता, अभी तो क्या मोबाइल पे आपके फोन पे गूगल पे इतना हो गया, आप खुद ही किसी को ट्रांसफर कर देते हो, पहले चलता था, पहले क्या होता था इतनी सारी सर्विसेज नहीं थी तो पैसा किसी और जगह भेजना मुश्किल हो जाता था, तो क्या करते थे, शॉप्स हो जाती थी, कुछ हो जाती थी, बैंक भी चार्जेस कट करते थे, तो वहां पे क्या हुआ, आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे ना 20,000 रुपीज अपने सिस्टर को सेंड करने हैं जो दूसरे सिटी में है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 20,000 आप ट्रांसफर करोगे ना, 100 रुपीज मेरा उसमें क्या होगा, कमीशन होगा, मैं उसमें अपनी फीस चार्ज करूंगा, आपने कहा ठीक है, हम भाई अभी, मैंने कहा मेरा रिस्क भी है, मैं काम भी कर रहा हूँ तो अर्न करने के लिए बनाऊ, आपने कहा ओके, 20,000 तो गुड्स नहीं है ना सर्विस है, वो तो मनी है, तो मतलब 20,000 तो आपने पैसे दिए और उधर बात चली गई, आपके पैसे चले गए, सो इस पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट 100 रुपए जो मैंने आपसे कमीशन चार्ज कराई है तो मेरी सर्विस हो गई ना, मैंने आपको सर्विस दी, 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा, 20,000 पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा, 100 के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ऐसी कन्वर्जन ऑफ मनी, जैसे आपने डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करा, इसमें कोई बीच में कमीशन है आपका, तो वो भी बैंक वगैरह में बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, तो वहां पे वो चार्जेस वगैरह कट करते हैं, तो उतने एरिया पे आपका क्या होगा, जीएसटी कट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सो आप क्या करो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला आप एक बार रीड कर लेना, ये वही सब है जो मैंने अभी आपको बताया।
देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख के बताते हैं कि जीएसटी चार्ज होने के लिए ना तो छोटा छोटा लिखा जा रहा है, जूम करते जीएसटी चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए या सर्विस होनी चाहिए, तभी मैं उस पर क्या करूंगा जीएसटी चार्ज करूंगा। फिर उसका क्या होना चाहिए, उसकी ना सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई मतलब एक तरह से अगर मैं बोल देता हूँ सेल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना गुड्स मेरे पास रखी है, मेरा मोबाइल मेरे पास रखा है और उस पर भी मैं जीएसटी चार्ज करूँ, नहीं भाई जब तक बेचोगे नहीं तो जीएसटी का क्या मतलब है। सो वो उसकी सप्लाई होना कंपलसरी है। सो मैं क्या कहूँगा, उसके सप्लाई होना जरूरी है, गुड्स होना सर्विस होना जरूरी है। गुड्स किसको कहते हैं, सर्विस किसको कहते हैं, हमने देख लिया। सप्लाई किसको कहते हैं, अभी देखेंगे। प्लस उसके बदले में ना आपको कंसिडरेशन मिलना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब हो गया एक तरह से पेमेंट। जब तक आपको पेमेंट ही नहीं मिली, आपने फ्री में किसी को दे दिया, भाई एक तो पहले किसी को फ्री में दे रहे हो, उस पर भी जीएसटी चार्ज करोगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट का नहीं। इतने भी हम निर्दयी नहीं है, आप जब पेमेंट लेंगे ना तो ही जीएसटी चार्ज करेंगे। कुछ केसेस कहे हैं उन्होंने जहां पे कहा कि फ्री में भी दोगे तो भी हम जीएसटी ले लेंगे आपसे, बाकी सब जगह पे क्या उन्होंने मना कर दिया कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कंसिडरेशन होना जरूरी है। प्लस उसके बाद क्या, वो ना बिजनेस रिलेटेड होना जरूरी है। अगर वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो आप उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। मतलब क्या, मैं आपको कुछ, मैं हूँ टीचर, ठीक है ना, मैं टीचर हूँ। मैंने अभी क्या करा है कि एक मेरे पास बुक रखी थी, मैंने जाके किसी को सेल कर दी। या मेरे पास बाइक थी, बाइक ना मैंने अपनी पर्सनल बाइक थी कि सेल कर दी, ऑफिस की नहीं, बिजनेस की नहीं, पर्सनल बाइक थी सेल कर दी। अभी क्या उस पर भी जीएसटी चार्ज करूंगा कि नहीं? बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपके बिजनेस में या फिर यूज हुई हो। वैसे पर्सनल चीजें अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसको भी क्लियर हुआ? सो हमारे गुड्स होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड होना उसका कंपलसरी है। फिर इसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि तीन चीजों पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। किस पे नहीं? नॉन जीएसटी आइटम्स पे। नॉन जीएसटी आइटम जैसे कैसे होगी मेरी, पेट्रोल अल्कोहल ये सब देखा ना हमने, उस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, शेड्यूल थ्री। शेड्यूल थ्री वहां पे कुछ लिस्ट कही है कि इसके ऊपर ये एक्सक्लूड है सप्लाई की डेफिनेशन में, तो इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि देखो भाई सब कुछ ठीक है, इस पे जीएसटी लगना चाहिए था, बट हमने माफ कर दिया कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमने कहा कोई नहीं, जैसे एग्रीकल्चर के सामान हो गए, जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, उन्होंने कहा कि छोड़ो हम इस पे चार्ज नहीं करते, एग्रीकल्चर वर्क पे जॉब सर्विसेज वगैरह दे रहे हो उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे माफी है, एग्जेम्प्ट मतलब माफ कर दिया। एक होता है जीएसटी रेट, उसका कितना है, 0% है। सो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जीएसटी नहीं लगा, मैं कहूंगा जीएसटी लगा है, बट कितने पे लगा है, 0 पे लगा है, तो एक तरह से नहीं लगा है ना। सो ये वाली चीज हो जाती है। और थर्ड क्या हो जाती है, जो हमने ऊपर ही देखी, वो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं हुई है और बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जो भी हमने ऊपर देखा, अगर वो सब फेल कर देता है तो वो सब चीजें भी हमारी क्या हो जाएंगी, उन पे भी जीएसटी नहीं चार्ज होगा। क्लियर है? इसको प्रॉपरली नोट कर लेना क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर है ये वाली बात? सो हमने गुड्स क्या होता है ये देख लिया, सर्विस क्या होता है ये देख लिया, सप्लाई क्या होगा, कंसीडरेशन, ये सब बाकी चीजें जो है आगे देखते हैं, ठीक है?